शहर में पहली बार आयकर विभाग द्वारा 3 दिवसीय आयकर जागरूकता मेला कार्यक्रम का होगा आयोजन। भागलपुर शहर में पहली बार आयकर विभाग भागलपुर द्वारा 3 दिवसीय आयकर जागरूकता मेला कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। ये कार्यक्रम सैंडिस कंपाउंड मैदान में 24 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा। कार्यक्रम में आयकर हब के संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयकर विभाग के प्रधान आयकर आयोग से निखिल चौधरी ने बताया कि ये कार्यक्रम टैक्स के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। इसमें 3 चरण बनाए गए हैं, जिसमें पहले चरण में लोग पूछताछ के लिए आएंगे, फिर शैक्षणिक जानकारी लेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, क्विज, खेल कूद के अलावा कई गतिविधियों से लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 24 नवंबर से 26 नवंबर तक 3 दिनों तक ये चलने वाला आयकर मेला प्रत्येक दिन 9 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक चलेगा। लोग इसका हर बिंदु पर लाभ ले सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाया है ताकि आप सभी लोगों को सूचित कर सकें कि नवंबर 24, 25 और 26 को भागलपुर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा एक टैक्सपेयर हब सेटअप होने वाला है। ये टैक्सपेयर हब देश के 7 शहरों में सेटअप हो रहा है। राजस्थान में भीलवाड़ा, केरला में कोझिकोड, विशाखापट्टनम में ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में कटक, मेघालय में शिलांग, उत्तर प्रदेश में झांसी और गोरखपुर और बिहार में भागलपुर में ये 3 दिनों के लिए टैक्स पेयर हब सेटअप होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों के बीच में टैक्स पेयर अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि लोग अपने राइट्स एंड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जागरूक हों। इस टैक्स पेयर हब में ये सैंडीज कंपाउंड के बाहर ये सेटअप होगा और इस टैक्स पेयर हब में 3 कियोस्क होंगे। सबसे पहले वहाँ एक इंफॉर्मेशन कियोस्क होगा, वहाँ की लोग जाकर के अपने जो भी सवाल हैं उसके वो आंसर्स पा सकें, जो भी उनके मन में शंकाएं हैं उसको जाके वो वहाँ क्लियर कर सकें। इसके अलावा वहाँ पर एक एजुकेशनल कियोस्क होगा। डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा एजुकेशनल लिटरेचर है, बहुत सारे समस्याओं पर, बहुत सारे इशूज़ पर, बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए, तो वो एजुकेशनल कियोस्क पर उनको वो सारा मटेरियल मिल जाएगा। एंड फाइनली वहाँ पर एक ग्रीवांस कियोस्क होगा, जहाँ पर अगर किसी के पास कोई ग्रीवांस है तो वो जाकर के उसको वहाँ पर रजिस्टर करा सकता है, या अगर उसने कोई पहले ग्रीवांस रजिस्टर कराया है तो वहाँ पर जाकर के उसका रिड्रेसल वो करवा सकता है। ये सारे कियोस्क जो हैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मैन करेंगे। इसके अलावा टैक्स हब में एक चिल्ड्रंस कॉर्नर भी रहेगा, क्योंकि हम लोग का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो कल के फ्यूचर टैक्स पेयर्स हैं, कल के फ्यूचर एम्प्लॉयज़ हैं, कल के फ्यूचर बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको नेशन बिल्डिंग के लिए कैसे हम जागरूक करें, टैक्स पेमेंट के लिए कैसे जागरूक करें, कि उनका ये एक राष्ट्र कर्तव्य और ड्यूटी है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक चिल्ड्रंस कॉर्नर भी रखा है टैक्स हब में। इस चिल्ड्रन कॉर्नर में बहुत सारे गेम्स होंगे, कॉमिक्स होंगे, वहाँ पर एक मैजिक शो होगा, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक भी होगा, वहाँ पर साइड बाय साइड और क्विज कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। हम लोगों ने भागलपुर के स्कूल्स को रीच आउट किया है, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है भागलपुर के स्कूल्स की तरफ से, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्कूल्स के बच्चे अच्छे तादाद में वहाँ पर आएंगे। टैक्स पेयर हब में सबके लिए कुछ ना कुछ है, अगर प्रोफेशनल्स हैं तो वो भी जा सकते हैं, वो भी अपनी क्वेरीज़ की जानकारी ले सकते हैं। अगर जनरल जागरूक सिटीज़न है जो कि जानना चाहता है अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए, तो वो भी वहाँ जा सकता है और वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकता है, और अगर कोई ग्रीवांस है तो वो रजिस्टर कर सकता है, अगर बच्चे हैं तो जा कर के उनको फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में ये मदद करेगा। तो ये 3 दिनों के लिए सेटअप हो रहा है, 24, 25 और 26 नवंबर को 9 बजे से 7 बजे शाम तक। इसके अलावा हम लोग